थे कि अभी भी फिनटेक के अंदर के 37 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है और शेयर ब्लॉक डील की वजह से 8% नीचे आ गया है। और आप देख पा रहे हैं आज गैप डाउन हुआ, गैप के बाद इसने बहुत तेजी से ब्लॉक डील के साथ शेयर को नीचे खिसकाया, अभी 8 से 9% नीचे है। पीबी फिनटेक जिसको हम पॉलिसी के तौर पर टिपिकली आप सब लोग जानते हैं, अभी 8% नीचे, 37 लाख शेयरों का इसमें ब्लॉक डील लगा है। मैं और सब चीज़ों पे बाद में आऊँगा। संजीव, पहले आपसे जरा ये पता करना चाहता हूँ, ये पीबी फिनटेक को आप वैल्यूएशन कैसे देते हैं? ये 37 लाख शेयरों की ब्लॉक डील, 8% शेयर टूटना, ये कोई वैसी कोई असाधारण बात नहीं है? ये होता है, ऐसा होता है जब ब्लॉक डील होगा और कोई कमज़ोर हाथ में आएगा तो ये शेयर इसी तरह से टूटते हैं। इसमें और कितनी गिरावट आपको दिखती है? आपके हिसाब से इसमें फेयर वैल्यूएशन कहाँ पे आके रुकती है? कुछ असेसमेंट है सर आपका? ऑफिशियल कवरेज तो नहीं है, लेकिन जिस तरह के वैल्यूएशन अभी है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनीज हैं तो इट इज़ वैल्यूड मोर ऑन द सेल्स टू मार्केट कैप, तो अभी भी यहाँ पे मुझे इतना कंफर्ट जोन में है नहीं। और जितने भी फिनटेक कंपनीज हैं वहाँ के वैल्यूएशन डीएक्सलरेट ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी अभी भी नीचे का जाने का संभावना ज़्यादा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल नहीं है यहाँ पे। ऑलराइट, तो क्लियरली ये राय इस बीच रिफाइनिंग, एक बार अपनी राय दीजिए यहाँ पर किरण, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कमजोरी के साथ एसबीआई लाइफ का ट्रेड जरूर शुरू होता हुआ दिखा, ऑफकोर्स कमजोर बाजार के साथ ही गिरावट हावी होती हुई, लेकिन इस गिरावट में क्या एक बार प्ले आउट करना चाहिए? ओवरऑल एसबीआई लाइफ की अगर हम बात करें तो राउंडिंग बॉटम यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, इनफैक्ट डबल बॉटम भी देख रहे हैं, लेकिन ऊपर में कहीं ना कहीं 1180-1190 का जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और नीचे में अगर हम देखेंगे तो जो एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिख रहा है अभी 50 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के बीच में स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। सो 1100 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। लोअर टाइम फ्रेम में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दिख रहा है, सो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। 1100 के लेवल के आसपास मल्टीपल सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन, साथ ही साथ एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी बन सकती है जो प्रोबेबल पैटर्न है। सो एक प्री अटेम बॉटम हम देख रहे हैं 1100 के आसपास, तो वहां पे हमें एक बार लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1070 का आप स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में वापस ये स्टॉक 1160 तक आ सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखें निफ्टी स्पॉट कल के लोएस्ट पॉइंट के पास आ चुका है, 14450 कल था, 16450 कल का लो था, उसको भी आज ब्रेक करके उसके नीचे चला गया। ये अच्छा साइन नहीं है, यहाँ से रिबाउंड आना चाहिए। ये जोन चले चल 50 पॉइंट का आप जोन समझ लो, तो यहाँ से अगर इंटरडे पुल बैक किसी को खेलना है तो ये अच्छा जोन है एंट्री करने के लिए। बिल्कुल 400 बचना चाहिए, अगर वैसे टेक्निकली तो 384 है, बट फिर भी 400 अगर बच जाता है तो फिर वैसे कोई खास बड़ी दिक्कत आनी नहीं चाहिए।